गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ सुबह हो चुके हैं बट अभी बहुत टाइम हो गया, 9 बज रहा है। मैं सो गई थी, आज मैं भी लेट में ही उठी हूँ, क्या भी सो रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा झाड़ू उड़ू लगा के शांति से बैठ के मैं सुन रही थी हनुमान चालीसा, जो दिल को बहुत शांति देता है। आप लोग भी सुनिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ हम दोस्त दोस्त खा लेंगे, फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और आज मैंने कुछ सोचा है, अगर वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगी। सो कह दिया, कैन उठ चुका है, मेरे को उठ चुका है और बस चालू हो गया कि अब दे दो मेरे को टीवी चालू करके। आजकल के बच्चे टीवी और मोबाइल से ही कनेक्टेड रहते हैं, तो टीवी चालू करके दे दूँ मैं, ऐसे ही देखता रहेगा। तो गाइस, ये तो मैंने बनाया चाय था मगर मेरा दूध फट गया। अब मैं इसमें डाल ले रही हूँ ये लेमन, ये बन जाएगा हमारा लेमन टी। तो गाइस, यहाँ कैन उठते ही चालू हो गया है और उसने चाय और रस नहीं खाया, मैंने तो खा लिया लेमन टी के साथ। खोल दूँ अभी, देखो उसको हर चीज़ चाहिए कि आप मेरे को करके दो। तो ये मेरा नाश्ता हो गया और कैन ने अभी नहीं खाया, वो खाएगा बनाना। तो ही तो है, यहाँ ना मेरा बेटा गोप्रो लेके पूरा हॉल में घूम रहा है और वीडियोस बना रहा है गोप्रो ऑन करके। उसको पता नहीं वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा, बट वो सबको दिखा रहा है, ए देखो बोल के। तो छोटा व्लॉगर अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, बताओ ये क्या है कि हम दिखा दो सबको। अरे बड़ा बदमाश हो गया जय भाई, ये भी बहुत शैतान। नहीं बेटा रहने दो, आपके बस का नहीं है, फिर भी समझ नहीं आता जय भाई। तो गाइस, यहाँ पे क्या को ऑर्डर मैंने काट के दिया था, नहीं खाया, वो बोल रहा है पैनकेक बना दो। मैं जा रही हूँ किचन में पैनकेक बनाने, तो हाँ मैं आ गई हूँ। ये मैंने ले लिया है आटा। अब मेनली पैनकेक बनाऊँ तो थोड़ा दूध उध डालो तो अच्छा लगता है, बट मैं अभी सिर्फ पानी डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं चॉकलेट सीरम डालूंगी। तो चलिए कैन का पैनकेक बनाते हैं। तो गाइस, एक जगह मैंने रख दिया है पैनकेक और ये मैंने रख दिया है राइस, क्योंकि पापा नहीं है तो मैं सोचूं राइस ही बना लूं और ये पैनकेक। बस ये रहा क्या, आराम से लेट के मोबाइल देख रहा है बट मुझे परेशान भी करता रहता है। वहाँ से बैठे बैठे चिल्लाए मम्मा मम्मा। तो चलिए जल्दी कर लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ ना आलू गोभी पत्ता गोभी की सब्जी बना लूँ, तो मैं तो खा लेती हूँ यार जो भी बनता है। तो चलिए जल्दी से पैनकेक बना के कैन को दे दूँ। ये कैन का पैनकेक रेडी है और ये है हर्शली का चॉकलेट सीरम, तो मैं अभी ये डाल दूँ इसमें, चॉकलेट फ्लेवर का सीरम डाल के उसको रेडी कर देती हूँ। कैन कैन उठे लो, क्या मिक्स कर दूँ, स्प्रेड कर दो। ओके चलो। तो गाइस, ये अब मैं कर दे रही हूँ स्प्रेड कैन के लिए। गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठीक है, थोड़ा ठंडा होने दो आप बस। ओके गाइस, यहाँ कैन खा रहा है अपना पैनकेक, पिचकारी पड़ी है, सब खलेरा हुआ है और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो चलिए जल्दी से अब हम खाना वाना बनाते हैं, फिर फ्रेश होके रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी रील्स भी बनानी है और सोचना है कि मैं आपको ऐसा क्या दिखाऊं कि आप मेरी वीडियोस को देखें। तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर उसको लाऊँगी। सो दोस्तों, यहाँ हमारा खाना भी बन चुका है और चलिए मैं कैन को खाना खिलाऊं, है ना, ये खाना खाता नहीं है, सो खाना खिलाना बड़ा मुश्किल का काम है, तो कैन को मैं खाना खिला दूँ। खा चलो खा खा खा, चलिए मैं इसे खाना वाना खिलाती हूँ, फिर देखती हूँ आज क्या आपको दिखाऊं मैं। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी यहाँ हो गया है 4 बज रहे हैं और कैन मेरे को बोला मेरे साथ खेलो, मैंने भी बोला चलो खेल लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल क्या मोबाइल देख रहा था, मैं सोचा मोबाइल छोड़ दे, तो मोबाइल छोड़ दिया, अभी बॉल से खेल रहा हूँ, बॉल से ना मुझे मार रहा था, मुझे 2 बार बहुत जोर जोर की लगी है। ये देखो मेरे फिर चालू हो गया, देख लो इसको, ये देखो बदमाशी इसकी
बॉल ना है वो स्पंज वाला, बट लगती बहुत जोर की, फॉर्म वाली होती है ना वो बॉल है। देखो देखो इसकी शैतानियाँ देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको दिखाने वाली थी चीज़ें जो हमें गिफ्ट मिली है, बट मैं उस पर्सन का भी नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी। बहुत टाइम पहले बनाना चाहती थी बट अब नहीं बनाना चाहती थी। और हाँ, मैंने आपको एक वीडियो में बोला हुआ था कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है Z Fold फ़ोन है ये। ये Z Fold 4 है, आई थिंक कि 3 है, ये ओपन भी होता है फिलहाल। अभी ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। ये है Z Fold 4, ये देखिए, मैं इसको पूरा नहीं खोलूँगी, ख़राब हो चुका है। सेम यही फ़ोन जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसी से मैं वीडियो बना रही हूँ। एक और है हमारे पास, और ये है सैमसंग जेड फ्लिप। ऐसा हमारे पास 3 फ़ोन है, एक इसके पापा लेके गए हैं 2 फ़ोन, और एक ये है। तो इसे मैं चालू कर लूँ, ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है, इसे हम ओपन भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिटीज़, पिक्चर क्वालिटीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये फ़ोन्स दिखा रही हूँ। तो ये सैमसंग गैलेक्सी, ये Flip 3 है, आई थिंक Flip 3 है कि 4 है। ये है वाइट कलर का। एक और है हमारे पास पर्पल एंड एक ब्लैक, वो भी गिफ्टेड है, हमको गिफ्ट किया गया है। प्लस ये है एक सैमसंग का फ़ोन। तो मेन चीज़ ये है GoPro, एंड थैंक यू जिसने मुझे ये गिफ्ट किया था, थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू है आपको। चलिए बात नहीं होती हमारी, कोई बात नहीं अभी, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस टॉपिक में। तो ये है GoPro ब्लैक प्रो, ये है हमारा GoPro का 7 ब्लैक है ये GoPro। तो ये है हमारा कैमरा, इससे हम व्लॉग शूट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं करूँगी क्योंकि इसका स्टैंड नहीं है, तो इसका स्टैंड मुझे लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इससे शूट कर पाऊँगी। और ये है बट ये क्या है, UKCA का है ये, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। ये भी हमको 3 गिफ्ट किया गया, ये है एक, और एक ये ब्लैक वाला है, ये भी सेम वही है शायद, ये एक ब्लैक वाला है, देखिए ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली थी, और ये सारी चीज़ें जो हमें मिली थी, और क्या मेरा फ़ोन में कार्टून देख रहा है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और श्योर मैं एक हफ्ते बाद बहुत अच्छे व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ, जो मैंने बोला है मैं वो करूँगी। और इस GoPro का भी फंक्शंस कैसा होता है, क्या है, मैं आपको यूज़ करने के बाद आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे व्लॉग से जुड़े रहिएगा। टिल देन बाय बाय।